हाय एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मेरा फर्स्ट वीक चाइना में कैसा गुजरा, मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा और किस तरह से मैंने अपना टाइम मैनेज किया, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये हैं जी हमारे हॉस्टल के रूम्स। इस तरह से हमें बेड्स मिले, ये एक साथ में कबर्ड होती है और नीचे स्टडी टेबल है। 2-सीटर रूम्स भी अवेलेबल हैं, 3-सीटर रूम्स भी अवेलेबल हैं। साथ में रूम में हमें एक रेफ्रिजरेटर दिया गया, इलेक्ट्रिक केटल दी गई है और साथ में एसी लगा है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अच्छा जी, फिर मैंने अपना सामान अनपैक करना स्टार्ट कर दिया था। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर वो क्या क्या सामान ले के हैं, उनको यहाँ पर क्या क्या मुश्किल पेश आ सकती हैं और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ये मसाला बॉक्स है जो कि मैं पाकिस्तान से साथ लेके आई हूँ। फिर ये मैं हनी लेके आई थी। अचार आपने मस्ट लेके आना है, यहाँ पे अचार के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा जी, चाइना आने के बाद जो स्टूडेंट्स को सबसे पहला काम करना पड़ता है वो अपना वीज़ा लगवाना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं तो सेकंड टाइम आई थी, सो मुझे अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना था। मेरा वीज़ा एक्सपायर होने लगा था, सो उसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो पहले मुझे फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करवाना था। पूरा जो मेडिकल आपका चेकअप होता है वो करवाते हैं और उसकी फ़ीस इन्होंने मुझसे ली थी 500 युआन। यहाँ पर मेडिकल रिलेटेड जो चीज़ें या टेस्ट वगैरह आप करवाते हैं या मेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जब लास्ट टाइम आए थे मैंने पाकिस्तान से करवाया था वो मुझे पड़ा था 6500 का, लेकिन जब यहाँ से हमने करवाया तो इन्होंने इसका हमसे चार्ज किया 500 युआन, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा जी, अगर आप वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं फॉर 1 ईयर तो उसके लिए आपको फ़िज़िकल एग्जामिनेशन मस्ट करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप 6 मंथ्स के लिए करवाना चाहते हैं तो ये डिफरेंट सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपसे फ़िज़िकल एग्जामिनेशन मांगते हैं या नहीं मांगते। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि बेसिकली फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे, यहाँ पे इन्होंने हमसे एक फॉर्म फिल करवाया। उसमें आपको अपनी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी होती है, नाम, एज, हाइट, वेट, ये सब कुछ, और किस सिटी में आप पैदा हुए, किस कंट्री में, अपनी नेशनैलिटी वगैरह। फिर उसके बाद एक ब्लड टेस्ट होता है, वो ये लेते हैं। फिर उसके बाद ECG और देन एक्सरे, ये 3 चीज़ें आपके फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में इंक्लूड होती हैं। जो यूनिवर्सिटी ने हमें हॉस्पिटल रेफ़र किया था हमें तो वहीं से जाके करवाना था फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, मैंने वो किया। फिर जो फ़ी थी 500 युआन वो पे की और बस जी मैं वापस आ गई थी। ये जी एक पासपोर्ट की तरह से ही यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक कार्ड्स दिए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसकी बेस पे स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं शॉपिंग्स में, डिफरेंट ब्रांड्स पे, इवन अगर आप टैक्सीज बुक करवाते हैं डिफरेंट ऐप्स पे आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। फिर जी ये है वो ऑफिस जहाँ पे हमें हॉस्टल से रिलेटेड अगर कोई मसला होता है, कोई बात करनी होती है, यहाँ पे आके हम लोग करते हैं। अगर फ़ी वगैरह पे करनी होती है हॉस्टल फ़ी तो वो भी हम यहाँ पे आके पे करते हैं। ये है वो ऑफिस। The next day यूनिवर्सिटी मेरी ऑलरेडी स्टार्ट थी, सो मैंने जाने से पहले जो बेसिक तैयारी कर ली थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अंडे मैंने ले के रख लिए थे, रोटी ये यहाँ से बनी हुई मिलती है वो मैंने ले ली थी। फिर उसके बाद जैसे प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने काट के और जिप लॉक बैग्स में मैंने इनको अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लिया था। फिर कटलेट्स वगैरह भी बना के फ्रीज़ कर लिए थे कि अगर कभी टाइम नहीं होता तो फ़ौरन से फिर मैं निकाले और बना लिए। हमारी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास ही एक सब्ज़ी मंडी है, वहाँ से ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए थी मज़ीद तो मैं वहाँ जा रही थी। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में वहाँ से हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है, वेजिटेबल्स हैं हर तरह की आपको मिल जाएंगी, फ्रूट्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। फिर साथ ही डिफरेंट जो शॉप्स हैं वहाँ पर आपको चावल, चीनी, नमक और डिफरेंट दालें जो हैं ये हर चीज़ भी ज़रूरत की मिल जाती है। और बाकी जैसे आप डिफरेंट मॉल से लेते हैं तो वहाँ से एक्सपेंसिव आपको मिलती हैं, तो यहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। इस एरिया में आए तो यहाँ पे ये वाली तो एरिया बंद था सारा, वो मैं बताती हूँ क्यों। जैसे हम लोग निकले थे हॉस्टल से उस टाइम तो बिल्कुल मौसम साफ़ था, लेकिन जैसे ही हम लोग सब्ज़ी मंडी पहुँचे तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। सो लोगों ने अपनी जो जो जगह थी वो बंद करनी स्टार्ट कर दी थी। फिर हमें जो कुछ मिला वो हमने लिया और बस आ गए थे जल्दी जल्दी।
अच्छा जी, हमारे हॉस्टल के बिल्कुल नीचे एक मार्ट है यस बाय के नाम से। वहाँ पे आप देख सकते हैं हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है, जो कि बेसिक डेली नेसेसिटीज़ होती हैं वो हर चीज़ आपको सेम पाकिस्तान की प्राइस पे मिल जाती है। ये दूध का कार्टन मैंने ले लिया था, इस पे जो ग्रीन लोगो है छिंगजन, इसका मतलब है कि हलाल। जिस प्रोडक्ट पे ये लिखा हो वो हलाल है, वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। पानी मुझे चाहिए था, वो मैंने ले लिया। टिश्यूज़ ले लिए थे, ये दूध ले लिया था, और साथ में एक डिश वॉशर चाहिए था, वो ले लिया था। यहाँ पर जब आएँ तो खास ख्याल रखें कि जिस चीज़ पर छिंगजन लिखा हो वही हलाल है और आपको वहीं यूज़ करनी है। ये है जी मेरा फ्रीज़र, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या फ्रीज़ किया है। प्याज मैंने अच्छी क्वांटिटी में इनको चॉप करके, तो ये ज़िपलॉक बैग में डाल के इनको फ्रीज़ कर लिया था। टमाटर कट करके रख लिए थे, सब्ज़ मिर्चें, कि यूनिवर्सिटी जब जाओ तो फिर टाइम नहीं होता आपको कट करने का, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर उसके बाद ये मैंने कटलेट्स बना के फ्रीज़ कर लिए थे, कि किसी दिन कोई सालन नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, और आपका दिल नहीं है, तबीयत नहीं ठीक, सो फ़ौरन से निकाले, फ्राई किया और खाना खा लिया। अच्छा जी, फिर ये मैंने दूध का कार्टन लिया था। अगर आप एक एक लेते हैं तो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, एज़ कम्पेयर टू कार्टन आप एक ही दफ़ा ले लें आपको रीज़नेबल पड़ता है। इस तरह से ये देखें, ये पाउचेस बने होते हैं, इन पे जो ग्रीन लोगो है छिंगजन लिखा है, इट मींस कि ये हलाल है, ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हमारी लैब क्लास थी, हमें दूसरे कैंपस जाना था जो कि है मेडिकल कैंपस। बाकी तो जो हमारी क्लासेस हैं वो इधर ही यूनिवर्सिटी में होती हैं, लेकिन जो लैब क्लासेस हैं वो हमारी मेडिकल कैंपस में होती हैं। सो ये मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे, प्रेस कर लिया था। लैब कोट पहनना हमें मस्ट होता है, वो भी मैंने अच्छे तरीके से प्रेस करके तो हैंग कर लिया था, ताकि सुबह लेट ना हो। क्लास हमारी जो है वो सुबह 8 बजे होती है, सो जाते जाते हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए 7 बजे हमें निकलना होता है। ये थी जी हमारी लैब क्लास। हम लोग आ गए थे मेडिकल कैंपस, जहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट करना था रैबिट्स पे। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रैबिट्स थे यहाँ पे, और जो एक्सपेरिमेंट हमें करना था वो हमें रैबिट की नेक सर्जरी परफॉर्म करनी थी। सो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, 3 से 4 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में होते हैं, तो हर किसी को अपना अपना प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है। सो उस लिहाज से यहाँ पर इन्होंने पहले से तैयारियाँ करके रखी थी। ये हमारी टीचर कह रही थी एक्सपेरिमेंट पहले, फिर उन्होंने हमें सारा सिखाया, फिर हर किसी को अपना अपना रैबिट मिल गया था, और अब हम लोग तैयारी कर रहे थे सर्जरी करने की। बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, और अब हम वापस जा रहे हैं। The next day. अब जी नेक्स्ट डे आ गया था, और मैं जा रही थी वीज़ा एक्सटेंशन के लिए वीज़ा सेंटर। वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जब हम जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, कि पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की हमें फोटोकॉपी चाहिए होती है, फिर जो वीज़ा पेज है उसकी एक फोटोकॉपी चाहिए होती है, और एक पिक्चर चाहिए होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ, और फिज़िकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट चाहिए होती है। फिर वापस आके मेरी एक क्लास थी, मैंने वो अटेंड की। उसके बाद एक और मेरी लैब क्लास थी, वो भी हमें मेडिकल कैंपस जाना था, वहाँ हम गए, वहाँ जाके ली क्लास, और ये हमारी क्लास थी माइक्रोबायोलॉजी की। 1 घंटे की ये क्लास थी, और वापसी पे हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो टैक्सी करवाई और बस वापस आ गए थे। टैक्सी पे हम 4 लड़कियां होती हैं, तो जितना किराया बनता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 पे, तो वो काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाता है, और बहुत ही ज़्यादा हम रिलैक्स होके और ईज़िली आ भी जाते हैं। फिर यहाँ से मिलती है रोटी, मैंने रोटी ली और वापस आ गई। ये थी जी मेरी काफ़ी बिजी रूटीन थी, पहला वीक तो बहुत टफ था। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।